ये वीडियो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज बेस्ट डांसर के बारे में। ऑडिशंस 19 जनवरी कोलकाता में हुए थे, हमने देखे भी, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया कोलकाता में, कुछ लोगों का हुआ कुछ का नहीं हुआ। अब 21 जनवरी को दिल्ली में है, बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल द्वारका के अंदर। इसका एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप जाकर अपना ऑडिशन दे सकते हैं 21 जनवरी को। अब बात करते हैं गाइज मुंबई की। मुंबई के अंदर भी अभी ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं, लेकिन जो मुंबई की अनाउंसमेंट है वो अभी आई नहीं है। ये सब मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जो सोनी टीवी वाले हैं इन्होंने अपनी एक टर्म्स और कंडीशन निकाली थी। जो लोग अपना ऑडिशन देने गए थे कोलकाता में, उन्होंने देखा भी टर्म्स और कंडीशन के बड़े बड़े दो बैनर्स लगे हुए थे, और इन टर्म्स और कंडीशंस में ये बताया गया कि मुंबई के अभी ऑडिशन की जो अपडेट है वो आना बाकी है। बाकी आपके ऑनलाइन ऑडिशंस होने वाले हैं, ऑनलाइन ऑडिशन आप देख सकते हैं साफ साफ 22 जनवरी 2023 लिखा हुआ है। ये आपको सोनी लिव ऐप के ऊपर मिलेगा ऑनलाइन ऑडिशन, तो 22 जनवरी का आप वेट कर सकते हैं। जो लोग अदर सिटीज़ के अंदर हैं, अलग स्टेट में हैं, कोलकाता दिल्ली और मुंबई वाले के तो ग्राउंड ऑडिशन हो रहे हैं, और जो बाकी स्टेट वाले हैं उनको ऑनलाइन ऑडिशन देने होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी और किसी स्टेट के बारे में कोई अपडेट आई नहीं है। जैसी आती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप अपने ऑनलाइन ऑडिशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑडिशन में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर आपके पास ISO फ़ोन है या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करके रखना है। सोनी लिव ऐप को आप डाउनलोड करेंगे 22 जनवरी को, जब आप उसको ओपन करेंगे तो एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना नेम, अपना जेंडर, मेल है फीमेल है, अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, और अगर आपकी एज 18 साल से नीचे तो अपने पेरेंट्स की कुछ डिटेल्स लगने वाली हैं। तो इन चीज़ों को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि आप फटाक से अपना फॉर्म फिल कर सकें। आपके मोबाइल के ऊपर OTP आएगा, तो अपना फ़ोन को रिचार्ज करके रखना और रिचार्ज वो वाला कराना जिसमें SMS भी हो, तभी आपके पास OTP शो होगा। बहुत सारे लोगों का कहीं OTP ना आए वो इसी वजह से, क्योंकि आपने SMS वाला पैक नहीं लिया होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, OTP वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ईमेल आईडी के ऊपर भी आपको कुछ कोड्स मिलेंगे जिन कोड्स को आपको फिल करना है। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ तो है ही जो आपको करना है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दो वीडियोज़। ये दो वीडियोस ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं। दोनों वीडियोस में आपको डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल करनी है। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो आपने बनाई एक ही सॉन्ग के ऊपर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपने अपलोड कर दिया। नहीं गाइज, ऐसा नहीं करना। डिफरेंट डांसिंग स्टाइल होनी चाहिए, डिफरेंट शो होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, ये आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप डिफरेंट स्टाइल में करोगे तभी तो वो आपको जज कर पाएंगे, तभी वो आपको सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जितना अच्छा और जितना प्रोफेशनल आप करेंगे उतने ही आपके चांसेस हैं बढ़ने के। बाकी आप देख सकते हैं, आपको हर वीडियो 90 सेकंड की ड्यूरेशन में होनी चाहिए। 90 सेकंड से कम कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा मत करना। तो दो वीडियो हैं तो दोनों वीडियो 90 सेकंड्स की बना सकते हैं, याद रखना 90 सेकंड से ज़्यादा मत रखना। दूसरा, 50 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक वीडियो का साइज, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इधर इन्होंने साफ साफ लिखा है, अगर आप दो से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, तो जो पहली दो वीडियोज़ होंगी उन्हीं को ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लाइन से 10 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, कोई भी दो वीडियोज़ आपकी सिलेक्ट की जाएंगी। नहीं गाइस, जो आप स्टार्टिंग में दो वीडियोज़ अपलोड करोगे उन्हीं वीडियोज़ को कंसीडर किया जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपको वीडियोज़ में किस चीज़ का ध्यान रखना है, और इस चीज़ की आप बिल्कुल भी गलती मत करना। पहला तो आपका फेस क्लियर होना चाहिए डांस करते वक्त, ऐसा ना हो कि आप ब्लरी फेस के साथ अपना डांस स्टेप कर रहे हो, ना आपका डांस मूव अच्छे से नज़र आ रहा है और ना ही आपका फेस अच्छे से नज़र आ रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका जो फ़ोन कैमरा है और जो माइक है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इतना भी अच्छा नहीं कि आप DSLR से वीडियो शूट करके डालें। हाँ, आप डिसेंट वीडियो बना सकते हैं। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें तो आपका जो इंटरनेट है वो गुड होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म बीच में ही रुक सकता है। और मैं आपको बता दूँ, 22 जनवरी को लाखों लोग एक साथ जब फॉर्म फिल करते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। जब ऑफिशियल वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम आती है, किसी का कोई बटन काम नहीं कर रहा, किसी की वीडियो सबमिट नहीं हो रही, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तुम्हें देखने को मिलेंगी।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए अभी से प्रिपरेशन करके रखिए। एक नोट बना लीजिए जहाँ पर अपना नेम, अपने फादर का नेम, ये सारी डिटेल्स आप लिख लीजिए। एक पेपर पे लिख सकते हैं या फिर अपने फ़ोन के अंदर नोट आता है उसमें नोट में सेव करके रख सकते हैं। फिर आपको सीधा कॉपी पेस्ट फटाफट कर देना है। दूसरा, दो वीडियोज़ आपको तैयार करके रखनी है 90 सेकेंड्स की, 50 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वीडियो का ऑप्शन आए तो आप फटाक से अपलोड कर सकें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी गाइज, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 22 जनवरी को आपको फटाक से बता सकूं कि ऐसे ऐसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। कोशिश करना है आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करने की। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 22 जनवरी को फॉर्म फिल नहीं कर सकते बाय चांस, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो भी काफ़ी दूर है, आराम से करिए। फिर अगर आप 22 जनवरी को नहीं कर सकते तो फिर आप ये मत सोचिए कि मुझे 22 जनवरी को ही करना है, उसके बाद फिर आप 5-6 दिन बाद ही करिए, ताकि लोग अपना फॉर्म फिल कर लें। जल्दबाजी में गलत फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18 फरवरी लास्ट डेट है, याद रखना गाइस, 18 फरवरी लास्ट डेट है। तो कह सकते हैं पूरा एक मंथ आपको मिलेगा अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का, तो आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने अपनी वीडियो नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, आराम से वीडियो बनाइए, लेकिन प्रोफेशनली बनाइए। तो बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि 22 जनवरी को ही मुझे फटाफट करना है तो मैं जल्दी से जल्दी अपनी डांसिंग की वीडियो बना लेता हूँ, चाहे जैसी बन रही हो वैसी बना लेता हूँ। ऐसा नहीं करना। अगर आपकी डांसिंग वीडियो कंप्लीट नहीं है तो आप आराम से टाइम लेकर उन दोनों वीडियोस को बनाइए, अच्छे से बनाइए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, सेकंड राउंड में आप जा सके। कोशिश करिए गाइस, जो आपके फेवरेट मूव्स हैं, फेवरेट डांसिंग स्टाइल है, फेवरेट सॉन्ग पे आपको डांस करना पसंद है, उन्हीं को ही डालिए ऑनलाइन ऑडिशन में, ताकि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और बढ़ सके। कंपटीशन बहुत होता है इन डांसिंग फील्ड के अंदर, तो कंपटीशन को पीछे करना है तो कुछ तो आपको यूनिक करना होगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, गलत फील कर रहे हैं, और ये फिर आपका हार का बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाइस। आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, इस मौके को गंवाना नहीं है आपको। बाकी जो लोग दिल्ली जा रहे हैं उनको 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक एज प्रूफ का, कि आपकी एज 15 साल से ऊपर है या नहीं है, क्या एज है आपकी। इसके लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं यानी 10th क्लास की मार्कशीट, कोर्ट से एफिडेविट ले जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं जिसमें आपकी एज मेंशन हो। मैं तो कहता हूँ आधार कार्ड में ही सब कुछ होता है, तो आप आधार कार्ड तो ज़रूर लेके जाइए। एक चीज़ और, उनकी फोटोकॉपी भी करा लीजिए, ताकि रिक्वायरमेंट पड़े तो आप फोटोकॉपी भी उनको दिखा सकें। अपने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है, वैसे तो इन्होंने एक बोला है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप कम से कम 3 तो लेकर जाइए। तो गाइस, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी गाइस, आपको और अच्छे से समझना है तो मैंने ऊपर वाली वीडियो बना रखी है, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसमें मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कैसे आपको ऑडिशन देने जाना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।